नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे जैसे 24 चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे वैसे परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, वैसे वैसे दल बदलने की प्रथा भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। और जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे वैसे बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। खैर, चुनाव आते रहते हैं, बयानबाजी होती रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब एक दूसरे के वर्ग में, एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास भी शुरू हो चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि पीडीए को लेकर अखिलेश यादव पूरी तरह से मुखर हैं, लगातार यात्राएं कर रहे हैं, लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं। और उनका केवल एक मकसद है, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। हालांकि अब मैं दो बार से देख रहा हूँ, उसमें अगला भी बोलने लगे हैं। अब ना जाने मांग है समय की जरूरत है। एक और को डबल बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं ये से अल्पसंख्यक भी है और ये से अगला भी है। अब ऐसे क्या है, वो मीडिया भी जानती है और समाजवादी पार्टी भी जानती है और जनता भी जानती है। खैर, वो चर्चा वैसे तो अलग है, पर इस पीडीए में अब सेंध लग गई है। सेंध इसलिए लग गई है क्योंकि यहाँ पर जो खीरी से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और महासचिव रहे रवि प्रकाश वर्मा, कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है और नीति से परेशान है। कह रहे हैं नीति अच्छी नहीं है और आंतरिक कलह बहुत है। और कलह का यहाँ पर ये परिणाम है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वो यहाँ पर सुनने में आ रहा है कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। बड़ा नुकसान इसलिए क्योंकि वो लगभग अगर खीरी की वोट बैंक की बात करें तो वो कुर्मी वर्ग से आते हैं और करीब 35% कुर्मी वोट बैंक खीरी में है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पिछले 10 बार से लगातार उनका परिवार खीरी का प्रतिनिधित्व करता आ रहा है लोकसभा में। बड़े नेता है, कोई छोटे नेता नहीं है। और उनका प्रभाव भी अगर हम बता दें तो धौरहरा, बरेली, सीतापुर, शाहजहाँपुर, बाराबंकी, खीरी लगभग आधा दर्जन सीटों पर है। तो ये नुकसान बड़ा है क्योंकि यहाँ पर पीडीए को लेकर लगातार बात कर रहे थे तो वहीं पीडीए में अब यहाँ पर सेंध लग गई है कांग्रेस के द्वारा। भाई कांग्रेस जा रहे हैं, सेंध ही मानेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ एक मामला और है कि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शिवपाल सिंह यादव, इटावा में भी उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है और कांग्रेस के लिए कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कुछ भी आधार नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। उत्तर प्रदेश में केवल बीजेपी को समाजवादी पार्टी हरा सकती है और 24 का गठबंधन अगर बना रहेगा उसके लिए कांग्रेस को मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कांग्रेस को यहाँ पर समझना पड़ेगा। और यहाँ पर जो हमने बातें कही हैं, सभी सीटों पर यहाँ तैयारी कर रहे हैं। 65 सीटों की बात पहले भी हो चुकी है, अब 65 सीटों पर यहाँ होगा या सीटें बढ़ेंगी। जहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी वो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के अलावा तमाम ऐसे दल हैं जिनके गठबंधन की बात लगातार चलती रही हो, घटक दल हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे रालोड हो, चाहे कबीरावाड़ी अपना दल हो या अन्य पार्टियाँ हों। पर चूँकि यहाँ पर दोहरा हिसाब किताब समझ में आ रहा है, मध्य प्रदेश से शुरू हुई कलह यहाँ पहुँच चुकी है और यहाँ पर तमाम तरह के बयान भी आ चुके हैं। और लगभग ये मान के चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एकला चलो की नीति पर काम ही करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अगर 65 सीटों चुनाव लड़ेंगी तो मेरे ख्याल से 15 सीटों पर अन्य पार्टियाँ तैयार होने की उम्मीद बहुत कम है। और अखिलेश यादव पहले भी कई मंचों से बोल चुके हैं वो सीट लेने वाले नहीं, सीट देने वाले हैं। और निश्चित रूप से होना भी चाहिए, बड़ी पार्टी है, बड़ा विपक्ष है, और जब विपक्ष बड़ा होता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है किसको कितना देना है। जो जिम्मेदारी कांग्रेस मध्य प्रदेश में निभा रही है कि अखिलेश यादव को यानी समाजवादी पार्टी को 6 सीटें भी नहीं दी। रार बड़ी, बयान बड़े, पोस्टर बार हुआ, अब यहाँ पर सेंध। अब ये सेंध किसके लिए नुकसानदेह है वो हम सब जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर बात कर रही है। और अगर पीडीए में ऐसे ही सेंध लगती रहेगी तो यहाँ पर परिणाम दुखद हो सकता है। महत्वपूर्ण चर्चा वैसा है, फिलहाल कुछ बयान सुन लेते, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिस पार्टी को सबसे ज्यादा समर्थन मिलेगा उसी की सरकार बनेगी। बीजेपी भी ढूंढ रही थी विधायकों को, कांग्रेस भी ढूंढ रही थी। और मुझे याद है उस समय जो मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अगर समर्थन कर देगी तो हमें दूसरे दल से भी समर्थन मिल जाएगा और गवर्नर भी हमें बुला लेंगे शपथ के लिए। मुझे याद है वो दिन, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने ब्लॉक के विधायक का समर्थन दिया, उसके बाद दूसरे दल का समर्थन मिला और उसके बाद गवर्नर ने बुला करके कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश बनाने का मौका दिया। देखिए, हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं,
सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। ये तो जिम्मेदारी कांग्रेस की है, कांग्रेस की जिम्मेदारी है गठबंधन बनाए रखने। तो उनका यहाँ अभी देख ही रहे हो कुछ है, यहाँ कुछ है नहीं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में केवल समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को हरा सकती है। चर्चा पे हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से इंजीनियर देशबंधु ऋषि प्रपक्ष रखेंगे, चंचल यादव समाजवादी पार्टी से अपनी राय देंगे, वरिष्ठ पत्रकार रूप में सुनील त्रिपाठी भाई अपनी राय देंगे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से इमरान लतीफ अपनी राय देंगे और कांग्रेस से विशाल कुमार यादव अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा समाजवादी पार्टी से। चंचल भाई, पीडीए की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर कांग्रेस से सेंध लगा दी आपके यहाँ, सुनने में तो यार सब तो यही बोल रहे हैं, बड़े नेता हैं और 10 बार से लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, उनका परिवार बड़े नेता हैं और आधा दर्जन सीटों पर उनकी प्रभाव है, और अब वो अगर यहाँ पर अंतःकलह से परेशान होके, सम्मान ना मिलने से परेशान होके लेटर उन्होंने जारी किया है, लेटर सबके पास है, इस्तीफा दे दिया है और सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस जा रहा है बड़े समर्थकों के साथ और बड़ी व्यवस्था के साथ। पीडीए को लेकर जो आपकी लगातार चर्चा चल रही है, सेन लग गई है, नुकसान हो गया है कि पीडीए में तो यहाँ पर आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे और यहाँ पर पहले से ही नुकसान हो गया है, कैसे देखते हैं? और कांग्रेस को लेकर जिस तरह से आपके बड़े नेता ने बयान दिया, सिप्पल ने बयान दिया है, सिप्पल यादव ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश कुछ नहीं है, तो कैसे मानेंगे कि INDIA ही सफल होगा और कैसे मानेंगे कि समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का एजेंडा चल रहा है वो सफल होने वाला है? संभाल नहीं पा रहे अपने नेताओं को आप। गौरव जी, सबसे पहले तो आप बहुत ही बेहतरीन खबरनवीस हैं जी, और आप लोग खबरों की चर्चा जो है आप लगाते रहते हैं, कहाँ पे जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। 2019 का लोकसभा टिकट समाजवादी पार्टी ने भरपूर सम्मान दिया जी, अब उनकी आंतरिक, उन्होंने बोला कि आंतरिक कुछ वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी प्रॉब्लम है, अच्छा अच्छा, अब उस चीज़ को अब उन्होंने किस लेवल की बात है तो मैं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी मुझे नहीं है। अच्छा अच्छा, लेकिन ये जरूर है पीडीए के बगैर इंडिया कोई मतलब नहीं है। अच्छा अच्छा, आपने देखा होगा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जी जब हमारा इंडिया अलायंस बना था पूरे हिंदुस्तान में, तो इंडिया सबसे बड़ी बात थी कि जो पार्टियां जहां मजबूत हैं जी वो बड़े भाई की भूमिका में रहेंगी। अच्छा अच्छा, उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी के पास जनाधार है, समाजवादी पार्टी विपक्षी दल है और यह बड़े भाई की भूमिका में अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। अब इनके नेता जो एक अभी नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनके बारे में बहुत सारी खबरें चलती रहती हैं, मैं अपने जुबान से नहीं कुछ कह सकता। अच्छा अच्छा, लेकिन ये सबको ही जानता है कि उनकी सांठगांठ हर जगह से रहती है। अच्छा, सांठगांठ हर जगह से रहती है। अच्छा। और उनके जो बयान हैं जब से वो बने हैं तभी से चीजें बिगड़ने का काम कर रही हैं। अच्छा, अच्छा। और ये कांग्रेस को सोचने की जरूरत है। हमारे आदरणीय नेता शिवपाल सिंह यादव जी ने सही बात, चाचा जी बहुत सही बात कही। अच्छा अच्छा, कि कुछ नहीं इनका, कम से कम ये जरूर कांग्रेस को सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए आज के समय में, 2019 को भी देख लीजिए, 2022 को भी देख लीजिए, 2017 को भी देख लीजिए, जितने भी चुनाव पिछले हुए होंगे जी, समाजवादी पार्टी ने अगर दो सीटों पर अगर समर्थन भी ना दिया होता तो पूरे प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर जाना जब से कांग्रेस की। अच्छा, इसमें कोई हर कोई जानता है, लेकिन आज सवाल है देश बचाने का। अच्छा, कैसे संविधान बचे? आपने देखा होगा जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर अभी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी वहाँ के जो महाराष्ट्र सदन में हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात को दरकिनार कर रहे हैं। अच्छा, तो संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं। अच्छा, देश को बचाने की जो मुहिम में समाजवादी पार्टी सदैव जो है आगे खड़ी है, और कैसे इन फिरका परस्ती ताकतों को बेनकाब किया जाए? आपने देखा होगा जिस तरीके से पूरे देश में सरकारी नौकरियां, आरक्षण, पीडीए की बात क्यों कर रहे हैं आप समझिए ना, बड़े समझने की बात है। पूरे 2018 से लेकर 2023 तक यूपीएससी में 4000 वैकेंसियां आई, समझिएगा गौरव जी, मैं सुन रहा हूँ, टेक्निकल बात कर रहा हूँ, 4000 वैकेंसियों में 49.5% आरक्षण पिछड़ा और दलित का था, SC ST का था। अच्छा, उसमें 1000 केवल पिछड़ा और SC ST हुआ, यानी कि आप सोचिए 50% आरक्षण कौन खा गया? बीजेपी के लोग खा गए। अच्छा, और हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े फक्र से कहते हैं कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, लेकिन ये केवल वोट लेने की बहुत बड़ी साजिश है।
मैं आपसे कह सकता हूँ प्रधानमंत्री भारतीय जुमलेबाज पार्टी, भारतीय झांसेबाज पार्टी, अरे बीजेपी नहीं लेके जा रही भाई किसको, रवि प्रकाश वर्मा जी को कांग्रेस लेके जा रही है, गौरव जी आई है, चुनाव आता है तो बहुत सारे लोग इधर उधर आएंगे जाएंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए। अभी इनके सांसद रवि प्रकाश वर्मा जा रहे हैं स्वामी साहब, अभी अभी उनका आज का बयान है कि प्रधानमंत्री जी की बातों को कोई सीरियस नहीं लेता है, जो बोलते हैं लोग हंसते हैं, बात ही नहीं कर रहा मुद्दा प्रधानमंत्री नहीं रखा, सुनते हैं लोग हंसते हैं, मैं वो बात कर रहा हूँ। मेरा कहना है रवि प्रकाश वर्मा का जाना आपके लिए डैमेज है कि नहीं है, आप पीड़े की बात कर रहे हैं, बड़ी उनकी बादशाहत है, बड़ा प्रभाव है, आधा दर्जन सीटों पर उनकी जो है व्यवस्था है, प्रभाव उनका खासा है, बड़ी सीटें हैं, तो यहाँ पर नुकसान है कि नहीं है पीडीए में सेंध लगी। गौरव जी, गौरव जी मैं आपको बताऊं, बड़ी ईमानदारी से एक बात मैं कह सकता हूँ, पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है, जो भी दल बदलता है इधर उधर जाता है उसकी अहमियत उसका, आप बताओ सऊदी पार्टी ने उन्हें महासचिव बनाया, सम्मान आप सोचिए, और उन्हें पार्टी में क्या चाहिए था, हम शासन सत्ता में नहीं, लेकिन अब तो उन्हें सोचना था कि उन्होंने किन शर्तों पे कहां पे गए। अभी आपने देखा आदरणीय राजभर जी की हालत, बेचारे स्टूल तक नहीं पा रहे हैं वो, गठबंधन तो कर लिए, अपने मन से घोषणा कर देते हैं हम मंत्री बनने वाले हैं, बीजेपी के लोग, मैंने कहा ना भारतीय झांसेबाज पार्टी, फिर बीजेपी पे आ गए, सुनिए, और ये पता है ना अब तो, ये मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो हमारे आंतरिक मामले, आप यहाँ पर कांग्रेस को बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को बोल रहे हैं संजल भाई, कांग्रेस पार्टी पता है आपको 1980-85 में लगातार 10 साल कार्यकाल रहा है वो पार्टी है, उसको लिए आपके नेता बोल रहे हैं कि कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं तो कई जगह पे आपका भी नहीं है ना, अभी वर्तमान की बात, पर वर्तमान में इस तरह किसी, अभी हमारी लड़ाई 2024 की है, यहाँ पे बड़ा बयान दिया आपने भी कि कांग्रेस पार्टी को अगर हम सपोर्ट ना करते तो 80-80 सीटों से जब्त हो जाती इनकी। नहीं देखिए गौरव जी, मैंने आपसे बताया कि देखिए हमारे यहाँ इंडिया में लोकतंत्र है, हल्का ले रहे हैं और फिर बोल रहा है वही सपोर्ट कर रहे हैं, गौरव जी मेरी बात सुनिए, हम लोग देखिए इंडिया में लोग जो है सारी पार्टियों के अपनी अलग अलग विचारधारा है, सबके अपने अपने अलग अलग एजेंडा है, और आपको मैं बता दूं आज के समय में गौरव जी समझने की जरूरत है, आज के समय हमारे इंडिया में लोकतंत्र है, हर आदमी अपनी बात रख सकता है, लेकिन बीजेपी में जितनी पार्टियों का गठबंधन है, उधर आपने देखा होगा अनुप्रिया पटेल जी हैं, वो मांग रही हैं 7 सांसद की सीट हमको चाहिए, उधर आदरणीय राजभर जी 5 मांग रहे हैं, कोई बोल नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता, हमारे यहाँ कांग्रेस में हमारा जो हमारे घटक दल है, कम से कम लोकतंत्र तो है, हम अपनी बातें तो रख सकते, वहां पर हल्ला तो नहीं हो रहा ना, आवाज कोई हल्ला नहीं हो रहा है। अच्छा। आप हमारे, मैंने बताया कि आप आज के समय हमारे खबरनवीस साथी लोग जो है, क्योंकि मुद्दे तो जो बीजेपी के मुद्दे हैं उन पे चर्चा नहीं हो पा रही है। अच्छा। अभी मैंने आपको बताया कि इन्हीं की पार्टी के एक मंत्री हैं जो आदरणीय राजभर जी को दलाल तक कह दिए, इसके ऊपर कौन से चैनल डिबेट कराई, और हमारे यहाँ आदरणीय चाचा जी ने क्या कह दिया, उन्होंने उन्हें बात कही कि भाई कांग्रेस की, हम लोग उत्तर प्रदेश में बड़े भाई की भूमिका में है, तो इसमें क्या गलत कह दिया आप मुझे बताइए, उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ नहीं है यहाँ पर, नहीं नहीं कुछ ऐसी बात नहीं है, मैं बयान सुना, जवाब सुना दूं क्या बयान, नहीं नहीं मैं बयान सुना हूँ, हाँ। मैं बयान सुना हूँ, मेरा आप ये सच्चाई देखिए गौरव जी, सच्चाई आज मैं बताऊं, इंडिया एक है और हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश में जान लीजिए, अगर ये लगता हो इनको कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है, बीजेपी भी जानती है, तो समाजवादी लोग और समाजवादी गठबंधन, अच्छा, और इंडिया जो हमारा पीडीए जो फॉर्मूला हमारा है, गठबंधन आईएनडी खत्म हो गया, समाजवादी गठबंधन मान लूं मैं, आईएनडी गठबंधन नहीं है, नहीं है इंडिया, अरे आप ही बोल रहे समाजवादी गठबंधन, अभी आप तो आईएनडी ही बोल रहे थे, इंडिया बोल रहे थे, मैंने बोला कि जो हमारे घटक दल है, घटक दल में सारे घटक दल आ जा रहे हैं, ये सच्चाई पता है, देशबंधु जी मुस्कुरा रहे, जान रहे अच्छी तरह से कि उत्तर प्रदेश में अगर इनको कोई हराने जा रहा है तो समाजवादी पार्टी और घटक दल मिलकर के हराएंगे, और हम सब इंडिया मिलकर के एक हैं, और आने वाले समय 2024 में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश से सुपड़ा साफ होने जा रहा है, ठीक है, और चलिए हो गया, बोला उठा के निकलने का वक्त आ रहा है प्रधानमंत्री, कैसे एक है समझ से बाहर है, पहले ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए आपने कटाक्ष कर दिया, आपके नेता ने भी कहा कांग्रेस कुछ नहीं है, हम सब एक है, कांग्रेस आपकी पीडीए की नीति में सेंध लगा रही है, हम सब एक है, कैसे एक है यहाँ पे विशाल कुमार यादव बताएंगे, प्रवक्ता युवा कांग्रेस, विशाल यादव हम सब एक है पर आपके प्रदेश अध्यक्ष ठीक नहीं है, वो बयान देते रहते, उन्होंने लार पैदा कर दी है, आप छोटी सी पार्टी कुछ नहीं उत्तर प्रदेश में, हम सब एक है जी। नमस्ते गौरव जी, जी आपके सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार है। देखिए समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल जी ने क्या कहा, मैंने उनकी बातों को सुना जी, लेकिन जिनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है लीजिए, वो कांग्रेस पार्टी पर सवाल नहीं, देखिए मैं सपा पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं शिवपाल जी को बोल रहा हूँ, बिल्कुल शिवपाल जी की अपनी प्रगतिशील पार्टी थी, लेकिन आज पार्टी कहाँ है कोई अता पता नहीं है, जो सपा में शिवपाल जी ने कहा, मैं उनके बात हो गया उसका भाई, ठीक है, अगर कुछ कुछ नहीं था तब तो विलय हुआ, कांग्रेस पार्टी का अगर वजूद है
तब तो सपा वाले लोग हमसे गठबंधन करने को तैयार है। अच्छा। अगर वजूद है तब तो सब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, अच्छा, लखीमपुर खीरी के साथ पूर्व सांसद, हाँ, हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, अगर अगर जो लोग कह रहे हैं, अभी अभी सपा के प्रवक्ता ने कहा कि अगर हम समर्थन नहीं करते तो कांग्रेस पार्टी सभी सीटें हार जाती। देखिए, अभी घोसी में उपचुनाव हुआ और कांग्रेस पार्टी ने घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन किया, तब समाजवादी पार्टी जाकर घोसी उपचुनाव जीता। क्या बात है, क्या बात है। तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये ना भूले कि घोसी में आपको हमने समर्थन किया था। खैर, वो बात अलग है। ये हमारी अपनी लड़ाई है, हमारी अपनी भाईचारा है, हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई भाजपा से है। इंडिया गठबंधन एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगा और आने वाले चुनाव भाजपा को, आने वाले चुनाव भाजपा को खत्म करने का काम करेगा। अच्छा, ठीक है। आखिर शिवपाल चाचा जी ने क्या कहा, नहीं जी, कहा जी, लेकिन वो अपने स्तर से देखे तो वो क्या है। अच्छा, वो क्या है, ठीक है। पर वो फिलहाल समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं जी। फिर देखिए, फिर इन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हाँ, आदरणीय अजय राय जी के बारे में कहा। ठीक है, अजय राय जी वो मजबूत स्तंभ है, अच्छा, जो मोदी जी के घर में जाकर चुनाव लड़ने का काम करते हैं। लेकिन शिवपाल जी के बारे में बताइए ना, अच्छा, कि वो क्या है, जिनकी अपनी पार्टी का अस्तित्व नहीं रहा और सपा में विलय कर लिया। अरे, पुराने नेता भाई सपा के, अपनी अपनी महत्वाकांक्षी राजनीति तो अलग बात। अच्छा, ठीक है। लेकिन कांग्रेस वजूद में है जी, तभी वहाँ पे समाजवादी पार्टी के साथ साथ अन्य वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी लीजिए कांग्रेस से गठबंधन करने को तैयार है। तैयार है, पर ये तो कह रहे बड़े भाई है, हम कह रहे आप छोटे भाई है। नहीं, ठीक है, मानते हैं उनकी जनाधार उस विधायकों को रूप में या सांसद के रूप में उनको वहाँ ज्यादा है, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है, बात को मानता हूँ। लेकिन एक सवाल ले लो, एक सवाल 10 सेकंड ले लो, बोल लीजिए। एक बात मुझे बताओ, आपने बताया घोसी उपचुनाव में हमने जीत करी, कांग्रेस समर्थन दिया, आपको पता है कितने वर्ष हम जीते थे, पता है? पूरे प्रदेश में मुझे बता दो कि जितने वोट से चुनाव जीते हैं उतना वोट कौन से विधानसभा सीट की कांग्रेस पाई है, बता दो मुझे। 45,000 वोट कहां मिला है, एक सीट नाम बता दो आप, और जहां से आते हो वहां जरूर बता देना। आप हैसियत की बात करो, शिवपाल जी के बारे में तुम्हारी औकात नहीं है बात कर पाओगे तुम। पहली बात तो इस बात को सोच समझ के बात करो आप। सुनिए, हमने मर्यादा में बात की है, आपने सुनिए, मैंने हैसियत की बात नहीं की, लेकिन सुनो, मैंने हैसियत की बात नहीं की, लेकिन जो आपने जो शब्द का प्रयोग किया आपको पता नहीं है। आदरणीय शिवपाल जी के बारे में शब्द बोल रहे हो, आदरणीय शिवपाल जी के बारे में शब्द बोल रहे हो और आप कंपेरिजन कर रहे हो अजय राय जी से। पूछो, एक विधानसभा जीत नहीं पाते हैं, क्या बात करोगे? कई बार ब्राग रहे आप मुझे इतने में सवाल जवाब दे दो। पूरे प्रदेश में सुनिए, पूरे प्रदेश में मेरी बात सुनिए, पूरे प्रदेश में 2022 में कौन से विधानसभा सीट में, चंचल यादव हो गया, कौन से विधानसभा सीट में आप 42,000 पाए थे, बता दो। हमारी वोटें कम आई तो क्या, अरे बता दो, विधानसभा सीट बता दो, आप ही क्या हैसियत है, चुनाव जीते, चले हो गया, चले हो गया। कम से कम मर्यादा, विशाल जी मर्यादा में रह के बात करिए और ये बात को जरूर गंभीरता से ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश में आप बोल रहे हैं और किसके बारे में बोल रहे हैं जरूर ध्यान रखिए। ठीक हो गया जी, अगली चरण में बिल्कुल बिल्कुल आप भी अजय राय जी चीज पता कर गया जी क्या है। हां तो मैंने ठीक हो गया भाई, आप लोग हो गए और लोग भी, क्या जरा बता दो आप अजय राय के बारे में, विधानसभा कब जीते लास्ट टाइम, हो गया हो गया बताओ ना, चंचल भाई हो गया, नहीं बता दे आपको, बता दो आप, मैं दोबारा बात करूं, ठीक है। हमारा इंजीनियर देशबंधु जी चीज, देशबंधु भाई मैं देख रहा था आप मुस्कुरा रहे थे, केवल ये मुस्कुराहट पीडीएम सीएन को लेकर है, ये मुस्कुराहट लड़ाई को लेकर है या खींचतान को लेकर है, या फिर जिस तरह से यहाँ समाजवादी पार्टी बोल रहे हैं, चंचल भाई बोले हैं कि आपको केवल और केवल समाजवादी पार्टी हरा सकती है, तो डर को लेकर है, क्योंकि अभी डर में मुस्कुराहट आती है, कारण बता दीजिए। नहीं सर, प्रथम प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार और यहाँ पैनलिस्ट जितने बैठे हैं सबको नमस्कार, शुभ संध्या जी। देखिए, मुस्कुराहट हमेशा स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहती है गौरव भाई, अच्छा, और सीखा मैंने आप ही से, क्या बात, सदैव मुस्कुराते ही रहते हैं, लड़ाते रहते हैं, सबसे टफेस्ट काम करते हैं फील्ड से लेके यहाँ, क्या बात। अब रही बात जो आज आपने बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा है, देखिए बात ही नहीं है, अभी मैं सपा के भी महोदय को सुन रहा था और युवा कांग्रेस के जो युवा ऊर्जावान हैं उनको भी। अच्छा, देखिए बात वहीं से शुरू करता हूँ जो 5 राज्यों के चुनाव, वहाँ पे जो 680 सीटों पे अभी चुनाव हो रहे हैं, मामला वहीं से शुरू हो रहा है। और ये जो तलखी आपने देखा ना, चाहे आदरणीय
शिवपाल जी के बारे में हो चाहे आदरणीय अजय राय जी के बारे में, 3 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे गौरव जी, तो 3 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे और जो वो नतीजे अगर कांग्रेस के पक्ष में आएंगे तो बार्गेनिंग पावर इनकी बढ़ जाएगी, और अगर INDIA में अगर ये नतीजे कांग्रेस के विपरीत आए जो कि आने हैं जी, तो आप ये समझ लीजिए फिर इनकी जो बड़े भाई की है। अब आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश का ही अब संदर्भ लें, एक उदाहरण दूंगा मैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में जब मीटिंग बैठी तो 6-7 सीटों का सवाल था। अच्छा, अब मेरी अगर मैं व्यक्तिगत राय हो तो शायद कमलनाथ जी को, आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय दिग्विजय सिंह दे सकते थे। अच्छा, लेकिन 1:30 बजे रात तक क्या मीटिंग रही, और रही बात उस समय भी, जैसे अभी चैनल पे 5 मिनट पहले तलखी हुई। देखिए, लोगों के मन में कुछ है, अच्छा, अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। अच्छा, अब ये 5 राज्यों के चुनाव में गठबंधन हुआ था तो कांग्रेस के प्रवक्ता लोग कहते, मैंने सुना भी, मीडिया में चल भी रहा है कि जो INDIA गठबंधन बना था ये खाली लोकसभा के संदर्भ में बना था। तो अगर संदर्भ में बना था तो ये चीज पहले स्पष्ट हो जानी चाहिए। और सुनिए, उसके बाद संयोजक भी नहीं बने। उसके बाद बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार देखिए अलग ही नाराज है कि हमें जो हिस्सेदारी विधानसभा में करनी थी जी। तो ये तलखी है। अब वहां पे उन्होंने कहा, अच्छा देखिए, आदरणीय कमलनाथ जी ने थोड़ा वक्तव्य भी गलत दिया, अरे अखिलेश उखिलेश को छोड़ी उड़ी। अच्छा, तो ये बातें चुभ जाती हैं। अखिलेश जी भी बहुत बड़े नेता हैं, तो अगर वहां पे, अगर मानता हूं अखिलेश जी ने बड़ा दिल दिखाया इस दिखाने में, फिर उन्होंने लड़ा अपना, नहीं सीटें ली। और तो अगर यहाँ पे बड़े भाई की भूमिका में वो तलखी दिख रही है, देखिए आपको बता दें, और वो तलखी ही है जो हम ये लोग आपस में, मैंने आपको बहुत सारी डिबेटों में ये कहा था कि देखिएगा, लोकसभा आते आते ये INDIA जो हम लोगों ने पहले ही डॉट लगा दिया था, वही स्थिति होगी। अच्छा, ये सब एक दूसरे के खिलाफ पूरे भारत वर्ष। सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि जो रवि प्रकाश वर्मा है पूर्व सांसद, ये सपा छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं और उनका प्रभाव भी अच्छा है लगभग 8-10 सीटों पर, तो ये तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। गौरव भाई, बहुत अच्छा प्रश्न उठा। देखिए, नहीं, आदरणीय रवि वर्मा जी जो है हाँ। वो लखीमपुर खीरी के निवास करते हैं और उधर लगभग उस बेल्ट में हाँ। आपने बताया भी अभी सभी दर्शकों को, बहुत अच्छा प्रभाव हाँ। लेकिन अब उनकी देखिए जिले में आंतरिक कलह थी या उनके अंदर क्या द्वंद्व चल रहा था, जबकि वो संगठन में भी महासचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर थे जी। लेकिन उनको वो सहयोग नहीं मिल रहा था, बड़ी कुंठा। अच्छा, दूसरी चीज आपको बताते हैं, जैसे आप PDA की बात करते हैं, पिछला दलित अल्पसंख्यक का आंकड़ा, आप बताइए, अभी 22 जनवरी को यही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है मिलके, इन लोग की संयुक्त सरकार होती थी, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, बार बार भाजपा पे आरोप लगाते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, डेट नहीं। बड़े हर्ष के साथ आज मैं बोल रहा हूँ, 22 जनवरी 2024 भव्य राम मंदिर का उद्घाटन, आप सबको भी मैं आमंत्रित करता हूँ, आइए दर्शन करिए। तो ये PDA वाला वही बात है। अच्छा, अब आप बताइए, PDA में ही आप जो है वो हिंदू एक आदमी, अब आपने देखा होगा रायबरेली के एक विधायक है मनोज पांडे जी, वो चाहते हैं, विरोध भी करते हैं, स्वर उठाते हैं तो दबा दिया जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ भी अनर्गल बने रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आदमी के, आपको बताएं, इंटरनल फीलिंग्स पे आघात होता है तो यही होता है, यही शायद सोच के, या उनको हो सकता है संगठन में वो स्वायत्तता या स्वच्छंदता नहीं मिल रही हो जो काम करने मिले, जबकि बहुत अच्छे जनाधार वाले नेता हैं। और देखिए, बड़ी दुखद समाचार है कि वो जा रहे हैं, तो ये तो खैर इच्छा अपनी है, कोई कहीं भी जा सकता है, जब मन नहीं लगता है तो वहां काम भी करना अच्छा, नहीं चाहिए। लेकिन अब PDA वाला जो, अब आपको बताएं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, भाई 2-2.5% जनाधार है, और आपको जब पता है 3 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे, अच्छा वहीं पे जैसे आज आपने देखा दोनों जिन लोगों में तलखी बढ़ी, अच्छा वो कहें हम बड़े, अब कौन बड़े भाई। अगर कांग्रेस जीत जाती है तो बार्गेनिंग पावर इनकी रहेगी, तो जो आपने अभी बताया 65-15 नहीं है तो 80-80 में दोनों आपस में ही लड़ जाएंगे, और वो भाजपा के लिए बहुत अच्छा है, हम तो वैसे भी 80-80 लक्ष्य लेके चल रहे हैं, जीत जाएंगे। चलो ठीक। और अगर कांग्रेस हार जाती है तो जो वैश्विक स्तर पे पूरे भारतवर्ष में है, आपको बताएं, ये लोग कांग्रेस से ही नोचेंगे, जितने भी क्षेत्रीय छत्र रहे वो कांग्रेस से अलग रहे, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी देख लिए चाहे। तो मैं इस बात को बहुत आसान से, भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता नहीं है, हम
पुनः तीसरी बार अपने काम, सबका साथ सबके विकास के द्वारा, अपने जो कार्य हैं 2014 से हम देखिए, आपने भी देखा निरंतर अपने काम किए, 14 में भी गए, फिर अपना जो कार्य प्रणाली, नीति और नियत, देखिए इनकी नीति और नियत ही स्पष्ट नहीं है आपको। अच्छा, और जब तो देखिए जनता ही जानती, 14 इससे पहले भी आपने देखे गठबंधन हुए, असंभव गठबंधन हुए। अच्छा, मायावती और स्वर्गीय एक नेता है समाजवादी के, मुलायम सिंह, बड़ी इज्जत करता हूँ, आप देखिए दोनों लोग जीवन भर एक दूसरे के लिए गोली और कांड तक का काम हो गया, लेकिन एक दूसरे से साथ रहे, लेकिन जनता देखिए अब समझ रही है कि ये सत्ता की खाली चाशनी का बंटवारा और कुछ नहीं, और ये सब भारतीय जनता पार्टी, जनता समझ रही है कौन चाशनी कर रहा है और कौन सेवा के लिए काम कर रहा है। ठीक है, इमरान लतीफ, आम आदमी पार्टी, इमरान भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? इमरान लतीफ आप संपर्क जी, इमरान लतीफ संपर्क नहीं हो पा रहा शायद। ठीक है, मैं सुनील त्रिपाठी को लेता हूँ जी, बताइए सुनील भाई, क्या समीक्षा है आपकी? यहाँ पर कोई जा रहा है, किसी के पास पहुंच रहा है, सियाने लग रही है और तलखी है, ये तलखी बड़ा नुकसान दे सकती है किसी को, ये दूसरे छोटा बोलना, कोई बजूद ने ये बोलना, ये तो गलत है गौरव जी। इंडिया गठबंधन जब बना था, शुरुआत हुई थी, तब भी मैंने आपकी इस राष्ट्रीय चैनल से कहा था, कह रहीम कैसे निभाए बेर केर को संग। अच्छा अच्छा, और आज उस समय धीरे धीरे आ रहा है। अच्छा, देशबंधु जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि बड़ी मजबूती से हाथ मिलाए थे कुश्ती लड़ने के लिए भाजपा से। अच्छा, और स्वयं कुश्ती लड़ना शुरू कर दिए ये लोग, ठीक है, तो क्यों नहीं मुस्कुराएंगे बताइए। अच्छा, इनका तो सौभाग्य है कि ये लोग आए थे घेरने बीजेपी को, अब खुद ही दूसरे घेरना शुरू कर दिए। अभी आपने देखा प्रत्यक्ष टीवी के ऊपर चंचल जी अपनी जगह पे हैं, विशाल जी अपनी जगह पे हैं, यही ये लोग चाह रहे थे, वही विपक्ष कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात जो विशाल जी ने कही शिवपाल जी को लेके, तो मैं शिवपाल जी को व्यक्तिगत जानता हूँ, जब से राजनीति में आए तब से मैं जानता हूँ कि मैं, मेरा मानना है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में कोई शिवपाल जैसा नेता ही नहीं है। मैं दावे साथ कह रहा हूँ, विशाल जी को बड़े बुरा लग रहे हो जी, जब क्योंकि समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में शिवपाल जी का, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का जी, बेनी प्रसाद वर्मा जी का और स्वर्गीय मिश्रा जी का, ये चार पिलर से समाजवादी पार्टी के, और जिस समय समाजवादी पार्टी बनी है जी, खड़ी हुई है, उसकी रीढ़ थे शिवपाल यादव, जिनको आप कह रहे हैं कि शिवपाल यादव वजूद नहीं है जी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर अखिलेश जी एक बलिदान दे दें, शिवपाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दें और बागडोर दे दें, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कोई जीता नहीं सकता है। आप शिवपाल जी को हल्का ले रहे हैं, शिवपाल जी कृतित्व और व्यक्तित्व देखिए गौरव जी, आप कोई कटाक्ष कर दीजिए शिवपाल जी कभी नाराज नहीं होते हैं। क्या बात, हाउस में भी देखा मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा, हम तो बहुत ही संपर्क में है आपके, बड़ा नॉर्मली लेते हैं। अखिलेश जी युवा नेता हैं जी, उनमें कहीं न कहीं उन्माद पैदा होता है, ठीक है, लेकिन शिवपाल जी में कैसा नहीं होता है जी। तो विशाल जी मैं दावे से बात कर रहा हूँ, कांग्रेस में कोई आप शिवपाल जी टक्कर का पार्टी में नेता ही नहीं है। देखिए नहीं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, सुनिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बारे में बात की, यही 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 विशाल जी यही गलती हुई समाजवादी पार्टी के। अगर ये घर में विवाद न होता, शकुनियों को प्रवेश न होता समाजवादी पार्टी में, हालांकि शकुनियों नहीं रह गए वो अलग बात है, तो आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश नहीं, मुझे व्यक्तिगत कष्ट हुआ इस बात से कि ऐसे नेता को आप कह रहे हैं कि जनप्रिय नेता है। क्या बात, आप जाइए मिलिए बैठिए तो लगता नहीं कि आप किस पार्टी से आए हैं, व्यक्तिगत संबंध उनके सबसे अच्छे हैं, यही कारण है वो अगर अकेले भी रहे, सम्मान से रहे, स्वाभिमान से रहे, कभी उनको दिक्कत नहीं हुई है। और आज भी समाजवादी पार्टी माने के बाद समाजवादी पार्टी का वर्चस्व बढ़ा है, ये 100% है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है शिवपाल जी लोकप्रिय नेता हैं। ठीक ठीक है। दूसरी बात गौरव जी बोलिए कि ये गठबंधन मैंने तब भी कहा था बहुत दिन चलने वाला नहीं है। अच्छा, स्वार्थ की राजनीति, सफर लंबा नहीं होता है। अच्छा, राजनीति त्याग, त्याग किसमें है, स्वार्थ राजनीति सभी कर रहे हैं, कौन सा पार्टी यहाँ नहीं, तो कहां साथ चल पाएंगे। अच्छा, दूसरी बात जो हमारे चंचल जी कह रहे हैं, इनको गंभीरता सोचना चाहिए कि वहाँ 38 दल हैं, कोई चू नहीं कर रहा है। अब आप कहो डर के मारे नहीं कर रहा है, हम कहते हैं अनुशासन नहीं कर रहा है। भाई ये भी हो सकता है कि किसी परिवार में आदमी, हम गौरव जी छोटी बात में कहना चाह रहा हूँ कि मेरा परिवार आदमी बटा नहीं है जी, इतनी एज मेरी हो गई जी, जो बड़े भाई कहते हैं वही बात सही है। तो ऐसे ही जहाँ अनुशासन होता है, स्नेह होता है, वहाँ परिवार बटता नहीं है, और यही भारतीय जनता पार्टी का एक परिवार है। हमारे वहाँ क्या है कि स्वार्थ में इतना हम डूब गए हैं कि अपने रिश्तों को भी हम बलि चढ़ाने में दिक्कत नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर ये बलि न चढ़ी होती तो मैं दावे साथ कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में फिर सरकार बनाती है अपनी। लीजिए बड़ा सब, ठीक है जी। चंचल यादव अब आप यहाँ बात कर सकते हैं। देखिए
हमारे बीजेपी के साथी ने दो तीन बातें कही, उनकी पहले जवाब देता हूं मैं। मुझे पता बीजेपी जरूर आएंगे आप। इन्होंने कहा कि पीडीए जो है मंदिर के उसके परिपेक्ष में है। अच्छा, तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये वही लोग हैं जब आरक्षण की बात आती है तो कमंडल लेके निकल पड़ते हैं। और आपको याद बताता हूँ, और ये उस समय मंडल कमीशन की बात आई थी, तो आज ये मंडल पार्ट टू है, पीडीए की बात मंडल पार्ट टू है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि हम आपको आमंत्रित करते हैं। अरे आप तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को आप आमंत्रित करने की बात कर रहे हैं। सोचिए, मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, कम से कम वहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी का शिलान्यास हो रहा था, आपको ध्यान करिए, उसमें हमारे महामहिम राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था आपने। उस समय एक दलित महा राष्ट्रपति जी थे, आपने नहीं बुलाया जी। आपने जिन्होंने कुर्बानी दी, अपना पूरा जीवन सर्वस्व ने उछावर कर दिया, विनय कटियार साहब, आपने उनके साथ भी दगाबाजी करने का काम किया, उनको उसमें रखने का काम नाम दिया। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी जब शिलान्यास हो तब जिंदा थे वो, बिल्कुल, लेकिन आपने उनको ही बुलाने की जहमत नहीं उठाई। अच्छा, आपका दोहरा चरित्र गए थे इसलिए सुनिए, नहीं नहीं, आपका दोहरा चरित्र है, जिसमें शिलान्यास बात तो बीजेपी में थे। अच्छा, तो मेरा ख्याल राज्यपाल थे वो जी, बिल्कुल, लेकिन आपने उस समय उनको भी बुलाने की कोशिश की, चूंकि आपको आपको कर आपको आप जातिवादी मानसिकता, आप समझिए। अच्छा। आप अगर देखें जो वहां पे ट्रस्ट बना है, जो उसके मेंबर है, सुन लीजिए ना, जो ट्रस्ट बना है, मैं आपसे चैलेंज करता हूँ, आप मुझे बताइए कोई ओबीसी है, एक भी कोई ओबीसी है? नहीं, छत्तीसगढ़ विधानसभा, आप मुझे बताइए, सोनिया गांधी जी कौन से संवैधानिक पद पे थी, उन्होंने उद्घाटन कर दिया, प्रधानमंत्री तो एक संवैधानिक। अरे मैं तो कह रहा हूँ, महामहिम राष्ट्रपति की बात मैं कर रहा हूँ, ये ट्रस्ट, ये कांग्रेस सवाल पूछिए। मेरी बेटी का विवाह हो, या यहाँ मान लीजिए वरिष्ठ पत्रकार बैठे हो, उनकी बेटे का विवाह हो, हाँ। ये उनकी स्वेच्छा पे होती है, वो किसको आमंत्रित करे, या तो ये मंदिर किसी के बेटे का विवाह है, दूसरी बात आप राम मंदिर किसी के बेटे का विवाह है, चाचा की इज्जत तो कर नहीं पाते हो, अभी आप लड़ रहे हो चाचा के सम्मान के लिए, और जब चाचा की बात मुझे बताइए, चंचल जी सुनिए, मुझे मत बताइए, आदरणीय आडवाणी जी उनके आंसू रो रहे हैं कमरे में बैठ करके, अभी मेरी बारी है ना, दुर्दशा इसलिए हुई है, नहीं मेरी बारी है ना, अभी सुन लीजिए, बहुत बड़े धरती पुत्र थे, नेता थे, मैं उनकी बहुत व्यक्तिगत सम्मान, अरे दुर्दशा तो आप अपनी देखिएगा, पुत्र मोह में, अच्छा पुत्र मोह में, पुत्र मोह में उन्होंने भाई को कभी सम्मान नहीं दिया, मैं बोलूं केवल पुत्र को राजगद्दी दे रहे, और ये इतिहास गवाह है, यही गलती इतिहास में धृतराष्ट्र ने की थी, जिसके कारण महाभारत, आज आपके घर में यही महाभारत हो रही है। अरे आप अपने घर की बात करिए, आपने आदरणीय आडवाणी जी का सम्मान की बात आप कर रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं आदरणीय आडवाणी जी, और मुरली मनोहर जोशी जी, उनसे पूछिए उनकी हाल चाल लेने वाला कोई नहीं है, जो पिलर थे बीजेपी के, और ये दो गुजरातियों की पार्टी बन के रह गई है, आपका भी कोई मतलब नहीं है। मैं जानता हूँ बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के प्रवक्ताओं को, सत्ता दी थी वो इतिहास की सबसे बड़ी भूल थी। अच्छा, अरे दीक्षित जी अपना घर देखिए, ये आदरणीय आडवाणी जी भी आज कहते हैं कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी, मैंने आदरणीय का इस्तीफा नहीं दिया, आप क्या बोलोगे चंचल भाई, बड़े बड़े नेता आपके नहीं बोलते हैं, के आंसू होते हैं, की नाम महात्मा गांधी के आंसू होते हैं, आप आदरणीय आडवाणी का सम्मान नहीं होता है, कभी उन्होंने नहीं किया, बगल से गुजर जाते हैं, क्या बात करिए आप। और आपको ये भी बता दो, उन्होंने कहा था संघर्ष वाले हमें नेता चाहिए, चापलूसी जवाब दीजिए, और समाजवादी पार्टी का यही गठजोड़ है, नहीं सुनिए, यही गठजोड़ नाम बताओ, आप क्या बोलोगे, आपने तो सवाल का जवाब दीजिए, आप मंदिर में जो इतिहास गवाह है, आपको कभी गिल्टी नहीं फील हुई, आप कभी शर्मिंदा नहीं हुए, और यहाँ कांग्रेस के साथ आप जो है, जवाब पूछ रहे हैं आपसे, कांग्रेस ने भी कहा, जवाब दीजिए, ट्रस्ट बना है, जो मंदिर का ट्रस्ट बना है, उसमें एक ओबीसी का नाम बताओ आप, क्या ओबीसी ने कुर्बानी दी है, आप जवाब दीजिए, आप मेरी बात, हाँ बताइए, आप धैर्य पूर्वक सुनिएगा, हाँ बोलिएगा, ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे हमारे प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी आयोग जो बनाए हमारे प्रधानमंत्री ने, आपने क्या कर दिया, मलाई कौन खाएगा, छोड़िए, आप मुझे बताइए मलाई कौन खाएगा, इसीलिए पीडीए आया है, मंडल सुनिए, पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जनरल में जो गरीब है उन सबको साथ लेकर के समाजवादी लोग आगे बढ़ेंगे, और आप देखिएगा इसी 2024 में
चुनाव और सुन लीजिए, आप जो दुर्दशा की बात कर रहे हो आप अपने समय को याद करिए। 2004 हारे, 2007 हारे, 2009 हारे, 2012 हारे, 5 चुनाव आप हारे हो। दर्जन चुनाव आप भी हार गए। अरे आप 5 चुनाव हारे, 4 चुनाव हारे, 5 चुनाव हारे आप, 2002 2004 2007 2009 2012। अब वो स्थिति आ गई है, इस मुगालते मत रहिए, यही जनता उठा के फेंकने जा रही है आपको। समाजवादी पार्टी हो गई है और आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी बाका झूठा पार्टी, आज भी आपको चाहा रहे भारतीय भ्रष्ट पार्टी, भारतीय झूठे पार्टी, भारतीय 24 में फिर जब जीत के आएंगे, 24 में जीत के आएंगे फिर आप यही मंथन करना कमरे के अंदर। आप जी आप खाली, हम लोग आपकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके घर में भी गैस सिलेंडर 1200 पहुंचता है, आप भी डीजल पेट्रोल खरीदते हो वो भी महंगा जाता है। लड़ाई हम लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो रोड में गड्ढे हैं ये लड़ाई उस रोड से आप भी क्यों लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आतंकवाद का मैं अभी लाल टोपी खतरे का निशान है, ये सारा रख के दूंगा। मेरी बात सुनिए, जितने ज्यादा इन्होंने आंदोलन, जितने ज्यादा इनके में हत्याएं हुई, लूटपाट, हत्याएं की, चले हो गया, हो गया, आप लोग बात आ गया, आप लोग बात आ गया, चले हो गया, हो गया, अरे हो गया भाई, हो गया, चंचल भाई, चंचल भाई, चंचल भाई, आप लोग हो गया प्लीज, हो गया, मैं कह रहा था, मैं अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुछ छात्रों के साथ बैठा था, सीनियर छात्रों के साथ, आप बिलीव नहीं करना, उसी छात्र मैं इंजीनियरिंग छात्र रहा हूं, और आप सोच करके आपको हैरानी होगी गौरव जी, और आप भी आपको सुन करके हैरानी होगी कि सोचिए जो 1200 रुपए की फीस थी उसको 2400 रुपए कर दिया गया साल का। अच्छा। जो आप सोचिए जो हॉस्टल की फीस, अरे मुद्दा है ये, इनके बच्चे पढ़ाई करते हैं यूनिवर्सिटी में, ऐसा नहीं करते हैं, इनको दर्द है लेकिन सो नहीं करेंगे क्योंकि अंधभक्ति की समझ नहीं है। पर मैं आज जानकारी बता दूं कि यहाँ पर चंचल भाई जो सवाल यहाँ पर तमाम तरह कहे गए हैं, कोई भी ट्रस्ट बनता है उसमें निश्चित रूप से यहाँ पर लोग होना जरूरी है। यहाँ पर आपने ओबीसी की बात जरूर की है, पर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कामेश्वर चौपाल जी दलित वर्ग से आते हैं, वो ट्रस्ट में यहाँ पर सदस्य है, एक है वही, कोई भी हो ओबीसी में पूछा नहीं, बिना कटियारी बेचारे भगा दिए गए, ठीक है वो तुम निकल लो, तुम्हारी जहाँ तक जो काम खत्म हो गया। अभी आपने यहाँ पर कहा था कि आपकी बात प्रसपा के लिए थी, प्रसपा विलय हो चुकी है समाजवादी पार्टी में, और शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर एक सपा नेता के रूप में, बड़े सपा नेता है सबको पता है, उस रूप में बयान दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपका कटाक्ष, महासचिव है तो बड़े नेता, बड़े नेता है, तो आपका कटाक्ष यहाँ पर समाजवादी पार्टी पर है, शिवपाल जी पर नहीं है, क्योंकि ये पार्टी के बड़े नेता के रूप में बयान दे रहे हैं, और जब पार्टी का बड़ा नेता रिप्रेजेंट करता है तो आपका कटाक्ष भी उन्हीं पर होना चाहिए। यहाँ पर अपनी बात को आप यहाँ पर अलग नहीं कर सकते, ठीक है। मैं विशाल यादव अपनी बात रखिए, फिर मैं इमरान भाई को लेता हूँ, जुड़ गया हमारे साथ। देखिए भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि इंडिया गठबंधन जो हम लोग डॉट डॉट पहले लगा दिए हैं, भाजपा ने कहा जी, वो जल्द ही टूटने वाला है। अच्छा, इनकी हमारी तीखी नाराजगी, इनकी ये अपने जीत का जीत समझ रहे हैं जी, लेकिन हमारी खट्टी पिट्टी तीखी नाराजगी इनकी हार का कारण बनी। अच्छा, कोई आधार है नहीं है महाराज, कोई आधार नहीं है, बोलना चालू है ये सर, फुटो बोलना चालू कर दीजिए, आप बोल लीजिए, बोल लीजिए, मैं आपकी बातों को सुनता हूँ फिर मैं बोलूंगा, ठीक है, पहले आप वो अनर्गल बात कर रहे हैं, आप तथ्यात्मक बात कर लीजिए। मध्य प्रदेश में आपने नहीं दी तो क्या आप अपेक्षा करते हैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आप सीट मांग सकते हैं? किस हक से मांगेंगे लीजिए? अरे भाई हमारे और समाजवादी पार्टी की बात है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? कोई बात ही नहीं, 680 सीट अगर जीत गई, और सुनिए कांग्रेस खाली बार्गेनिंग पावर कर रही है, कहां आधार है उत्तर प्रदेश में? आप बताइए किस आधार पे आप बात कर रहे हैं लीजिए। और आपने अभी जो टिप्पणी की आपको ये भी नहीं, तो यानी आप आग में घी डाल रहे हैं देशबंधु भाई हैं। शिव आदरणीय शिवपाल जी संगठन के वो काबिल चेहरे हैं, आपको वरिष्ठ पत्रकार ने बोला तब भी आप समझ नहीं पाए जी। और रही बात चाहे वो प्रगतिशील सब हो, कल्याण सिंह ने भी अपनी पार्टी बनाई, राजनीति में ऐसे राजनीतिक समीकरण आते हैं जी। तो तथ्यों को जान के हो, और रही बात भाजपा की बात तो वो तो बात मत करिए। अच्छा, हमारा बड़ा दिल है, बड़ा दिल है, अच्छा। दल है, अनुशासन के साथ लड़ेंगे अखिलेश भाई। अच्छा, चाहे अनुप्रिया पटेल बहन हो, हाँ। चाहे सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर, हाँ। गए। अच्छा, और जाके देखिए कितनी कुंठा हुई। अच्छा, और जब समझ गए, टूट गए, हार गए, खत्म हो गए। अच्छा, तो उनको लगा सम्मान के साथ मैं वापसी, घर वापसी आ जाऊं। अच्छा, मंत्री, हाँ। दीपावली के पहले दिए जलेंगे, दिए जलेंगे, लड्डू खाने, चंचल जी आप आइएगा, चलिए चलिए, ठीक है, दीपावली के दिन आपने बोल लिया, चल बोले, आपने अपनी बातें रख ली, बोले मैं जुड़ेगा, आपकी आज्ञा हो पर भाजपा आज्ञा बोलिए, बोले आज्ञा है आप किसी की नहीं भाई, बोलिए बेचारे बोलिए। देखिए भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, भाजपा के प्रवक्ता सोच रहे हैं कि हमारी ये तीखी जो नाराजगी है, हाँ। इनकी जीत के कारण होगा। अच्छा, लेकिन हमारी ये खट्टी मीठी नाराजगी भाजपा के कारण होगा। चटनी खाओ, अचार खाओ, हमें क्या मतलब भाई? अरे
अर्पित बोलना चाहोगे, पहले सुन तो लीजिए, तो पहले बता देते, सुन तो लीजिए, सुनेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, सुन तो लीजिए। देखिए सीट में क्या बंटवारा होगा, नहीं बंटवारा होगा, हमारा और समाजवादी पार्टी का घट मामला है। ये भाजपा वाले सोच के अपना दिन क्यों खराब कर रहे हैं? अपना सोचना कि अनुप्रिया पटेल जी को कैसे अपसेट कीजिएगा, ओम प्रकाश राजभर को कैसे सेट कीजिएगा, ये आपकी बात हो, हम लोग क्या करेंगे, लेकिन हम लोग क्या आपसे मैटर है? हम बहुत अनुशासित है, बहुत अनुशासित पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। दिखता है वो दिख रहा था, भाजपा के लिए शब्द का प्रयोग राजभर जी ने भाजपा के लिए क्या शब्द ठीक है, हो गया। यहाँ पर चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी में सेध लग गई है, कांग्रेस पार्टी द्वारा बड़ा नाम यहाँ पर जा रहा है कांग्रेस में। तो वहीं दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान कि कांग्रेस के लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो गठबंधन की भूमिका सोची गई थी, जो सुनहरे सपने सजाए गए थे बीजेपी को सुपड़ा साफ करने को लेकर, वो सपनों में यहाँ पर सेंध लगती नजर आ रही है। और अगर आपस में इस तरह से बयानबाजी होगी तो किस तरह होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो यहाँ पर किसी वर्ग की बात ही नहीं करती है, वो तो कहती है हम सबके हैं। आपकी क्या राय है, क्या वर्ग पर सिर्फ राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि आपकी राजनीति अलग है? देखिए गौरव भाई जी, सबसे लास्ट में जुड़ पाया हूँ, जुड़ा तो मैं था लेकिन शायद आवाज नहीं जा रही थी जी। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि जितनी देर में 2-2.5 मिनट बोलूं तो थोड़ा मुझे ढंग से बोलने दिया जाए, क्योंकि मैंने 45 मिनट तक आप लोगों को सुना है जी। आज जो अभी मैंने समाजवादी पार्टी के साथी और कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता साथी हैं उनकी पूरी बहस को सुना इस पूरे डिबेट के अंदर जी। और जो डिबेट कांग्रेस और सपा के बीच पिछले 10-15 दिनों से चल रही उसको भी देख रहा हूं जी। और इंडिया गठबंधन का एक अवयव होने के नाते काफी अफसोस भी हो रहा है जी। और ये मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूं कि घर में मुखिया बीमार है, वेंटिलेटर पे अंतिम सांसें ले रहा है, और दो भाई मिलके पीले और लाल गुब्बारे के लिए लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को इससे ज्यादा मैं और नहीं देखता। क्या बात, कि जब तानाशाही चरम पर है, जब दमनकारी नीति अपने चरम पर है, जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में रह के क्रूरता की सारी हदों को पार कर रही है, अच्छा। जब संविधान के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं, लोकतंत्र की सरेआम हत्या की जा रही है, और यहां तक टॉप टू बॉटम जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो आम जनमानस के बीच में दिन प्रतिदिन अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही है, अच्छा। ऐसे समय में लाल पीले गुब्बारे रूपी सीट के लिए अगर हम लड़ झगड़ रहे हैं तो ये मेरे ख्याल से ना तो देश हित में है और ना उस जनता के हित में है जिसका प्रतिनिधित्व करने का दावा हम करते हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस मजबूत रहे, एकजुट रहे, इसके लिए पहले दिन से प्रयास कर रही है। जाहिर सी बात है दूसरी जो भी पार्टियां हैं उनके मुकाबले जी, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे पूरे देश की बात करें, संगठनात्मक तौर पर आम आदमी पार्टी दूसरी क्षेत्रीय दलों के मुकाबले बेहद मजबूत है दूसरे प्रदेशों के अंदर। अच्छा, इसको आप भी मानते होंगे, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश के अंदर अभी हाल ही में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए, उसमें किस तरह आप तो शुरू से एकला चलोगे नीति पे चल रहे हैं, आप तो सीट मांगते नहीं, आप तो कहते हैं हम अकेले चलेंगे, मजबूरी चलेंगे जी। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी का उद्देश्य, हम इंडिया अलायंस के अंदर भी इसी वजह से आए थे, अच्छा। अमा अपने तमाम नीतियों को के साथ समझौता करके आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस में इस वजह से शामिल हुई थी क्योंकि उसको देश दिख रहा है, अच्छा। लोकतंत्र खतरे में दिख रहा है, संविधान खतरे में दिख रहा है, संवैधानिक संस्थाएं अपनी विश्वसनीयता खो रही है जनता के बीच में, वो जरूरी है आम आदमी पार्टी के लिए। देश बचाना हमारी पहली प्राथमिकता, इसलिए हम कर रहे हैं। आज आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को हमसे दिक्कत क्या है, भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत इस नाते है कि महज 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, अच्छा। गुजरात जैसे जो नफरत की राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, भारतीय जनता पार्टी की वहां 14% वोट आम आदमी पार्टी लेकर चली आई गौरव भाई, ये भारतीय जनता पार्टी की चिंता है। आखिर सत्येंद्र जैन को सबसे पहले जेल में डाला, क्यों डाला?
क्या कोई शराब घोटाला हुआ था? कुछ नहीं, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है। सब ये कथा कहानी किस्से हैं, कोई इसमें इसका कोई सार नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। सत्येंद्र जैन को अगर सबसे पहले जेल में डाला गया तो इस वजह से जेल में डाला गया कि उन्होंने विश्व स्तरीय मोहल्ला क्लिनिक बनाकर देश को एक स्वास्थ्य का मॉडल दिखाया कि ऐसे ऐसे स्वास्थ्य सेवा होनी चाहिए। मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर क्यों डाला गया? कोई शराब घोटाला नहीं है, सब मनगढ़ंत कहानी है भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो लठैत एजेंसियां हैं उनकी। मनीष सिसोदिया अगर जेल के अंदर है तो इस नाते हैं कि उन्होंने शिक्षा क्रांति को जन्म दिया है देश के अंदर, और आज पढ़ाई लिखाई स्कूल अस्पताल दवाई जो है राजनीति के केंद्र में आना शुरू हो गई है, इस नाते मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। संजय सिंह को जेल के अंदर क्यों डाल रखा है? क्योंकि उन्होंने जो मोदी जी की अहंकारी आंखें हैं उसमें आंखें डालकर बात करने की हिम्मत दिखाई है। उन्होंने विपक्ष को कैसे लड़ना चाहिए, कैसे लड़ा जाता है, कैसे मोदी अडानी महाघोटाला जो देश ही नहीं दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है उसकी सच्चाइयों को परत दर परत कैसे खोला जाता है, कैसे जनता के सामने रखा जाता है, ये काम संजय सिंह ने किया है। अगर आप पीडीए की बात करें, अगड़े की बात करें, पिछड़े की बात करें, सबके हक हकूक की लड़ाई को अगर सबसे मजबूती के साथ देश के सबसे बड़े सदन में अगर किसी ने लड़ा है तो संजय सिंह ने लड़ा है। आज उसी की सजा उनको मिल रही, कहीं कोई घोटाला नहीं है। आज अगर लड़ना है तो मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ लड़ना है, आज लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ना है, संविधान को बचाने के लिए लड़ना है, देश को बचाने के लिए लड़ना है। और एक जो क्रूर शासक है जो अब जनता का शासक नहीं रह गया है, अहंकारी शासक हो गया, उसको हटाने के लिए लड़ना है। मैं अपने संगठन के अवयव जितने हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, उनसे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि लाल पीले गुब्बारे के लिए मत लड़िए, देश को बचाने के लिए लड़िए, साथ आइए और मिलकर इस अहंकारी सरकार को उखाड़ कर बाहर फेंकिए। आप भी तो अकेले चल रहे हैं तो आप भी तो लड़ ही रहे हैं भाई, जहां जहां आप अकेले लड़ रहे हैं तो वहां तो लड़ाई कर रहे हैं। नहीं देखिए गौरव भाई, इसको स्पष्ट कर दूं जी, जो इंडिया अलायंस बना था पहले दिन से यह स्पष्ट था कि ये लोकसभा चुनावों के लिए बना है, विधानसभा चुनावों में किसी तरह का कोई अलायंस नहीं हुआ था, यह स्पष्ट थी। हम तो उसी बात पर हम कायम है, आज जहां दूसरे कोई इलेक्शन होंगे वहां देवबंधु भाई बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं आपको जवाब देने के। देवबंधु जवाब दे लीजिए। बोलने के लिए रह क्या गया, सब मीडिया बंधु कह रहे हैं। अच्छा व्हाट्सएप और ट्विटर पे चल रहा है, मध्य प्रदेश चले गए संबंध बताइए, इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था ने संबंध दिया, हाजिर नहीं हुए। अच्छा और एमपी में गए रैली करने, वहाँ पब्लिक ही बोलने लगी दारू का दलाल आ गया, दारू का दलाल आ लीजिए, ये कौन सी बात, अपनी पॉलिटिकल सुसाइड करने वाली। मोदी अडानी महाघोटाला उसकी जेपीसी से जांच कराने से क्यों भाग रहे देश बंधु जी? अरे या तो आप बोल, मोदी अडानी महाघोटाला मध्य प्रदेश दुनिया के अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, क्यों भाग रहे हैं उसकी सच्चाई से पीछे? बोल दीजिए, अडानी के साथ कौन सी गड़बड़ियां चल रही है उसके बारे में क्यों नहीं बता रहे? जवाब दीजिए त्रिवेंद्र भाई, जवाब दीजिए यार, यही तो धूर्तता है। आपने अभी 40 मिनट मोदी अडानी महाघोटाले पर आप जवाब दीजिए, बोलिए क्या बोले, धैर्य है आपके पास सुनने का? धैर्य है आप मोदी अडानी महाघोटाले का जवाब दीजिए, बिल्कुल आंख नाक कान बंद करके सुनूंगा सब, बोलिए शांति, कान बंद करके सुनाइए, मोदी अडानी महाघोटाले सुनिए, बोलिए कान बंद करके सुनाइए। जा रहे हैं शिवराज, अच्छा खत्म होगा वहां से जंगल राज, लीजिए बेचारे यादव भी बोल रही है वहां से, जवाब आपको देना देशबंधु भाई, सब लोग आपको जाने जा रहे की बात कर रहे हैं, ऐसा है जी, अगर आदमी कल हाजिर हो जाता, अच्छा कल हाजिर तो आदमी कहूंगा, देखिए अच्छा आदमी कहूंगा, हाँ समझ, जेपीसी से जांच क्यों नहीं करा रहे मोदी अडानी महाघोटाले की? अरे यार समझदार और मूर्खता में अंतर होता है, तुम बहुत बोलते हो, तुमको कुछ नहीं आता भाषण देते हो। संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, नहीं जाओगे दो नोटिस चला जाएगा और उसके बाद आपको बता दें जेल व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है, पर्दे लड़ रहे हैं, टॉयलेट साफ हो गया है, कमरा तैयार है, 2-3 दिसंबर का इंतजार हो रहा है, छोड़िए हो सकता है उससे पहले देश बेच कर खाई मलाई, मोदी अडानी महाघोटाले का जवाब इमरान भाई। यहाँ पर देशबंधु भाई बोल रहे हैं कि जेल में सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है, ये कौन सी बात है इनकी? देशबंधु भाई गलत चीज है,
मैं कह तो रहा हूँ कि मोदी जी की जांच निष्पक्ष हो जाए। गौरव जी गौरव जी मोदी अडानी महाघोटाले के खिलाफ देना पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा। बोले मोदी अडानी महाघोटाले के जवाब तो मोदी अडानी महाघोटाले की जांच जेपीसी से करा रहे हो। चले मैं हो गया, भाजपा के प्रवक्ता जब बीच में बोल रहे थे, देखिए जब भाजपा के प्रवक्ता जब बोल रहे थे तो सपा के प्रवक्ता इनके बीच में बोल रहे थे आम आदमी पार्टी के, तो इनको दर्द हुआ। इस पे कहावत बिहार में बहुत प्रचलित है, रोपे हो बबूल तो आम कहाँ से खाओगे। जब आप बीच में बोल रहे थे तब आप व्याकुल नहीं हो रहे थे, जब आपके बीच में कोई बोल रहा से आपको राहत नहीं मिल रही, मान लीजिए मोदी जी ने फंसाया आपको, भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय सबके लिए, वो मोदी जी के लिए स्पेशल है, आपके लिए अलग है। आपने ऐसे जी मोदी अडानी महाघोटाले पे बोल दीजिए। अरे भाई हम बोले हैं, वो जो मोदी अडानी महाघोटाले बोलो भाई, इधर उधर की बात नहीं, उधर की बात करने का है आज। अरे वजी से आप कसम खा के आए थे कि हम रिक्शे टांगे से आएंगे विधानसभा में, और उसके बाद टोपी होगी, ये हाल पर्दे के हाल आप इसी में जाओगे। दुनिया के जनता देश की बड़ा घोर में चले जाए जी, कब तक छुटकारा करोगे भाई? आपने जो काम किया जनता के साथ 22 साल से 18 साल वाले सर आप लेना सिखा दिया, क्या आप चर्चा करो टीवी चैनल, जनता देख रही है आपको। सर आपके 328 करोड़ घोटाला किया गया, जिसको ईडी ने भी माना, सर्वोच्च न्यायालय भी ने माना, और दो दो मंत्री आप पड़े हुए हैं, मोदी जी ने जेल में करा है आपको। ये आपके आप जनता के साथ धोखा किया, आप कहां बहुत ईमानदार हैं। और पिछली सरकार ने देखा गौरव जी, टांगे से बैठ के निकल कर रहा है, आज जी गुमराहियों घूम रहे हो, सुषमत करिए काम मत करो, जनता को गुमराह जागरूक है, अन्ना हजारे की आत्मा आज भी आपको बदुआ दे रही है, और उसी गुरु की बद्दुआ है कि आप सब बताओ रहे हो। जनता को गुमराह मत करिए, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण पर चर्चा यहाँ पर अन्य मुद्दों पर पहुंच गई। यहाँ पर दर्द सबको होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सेंध भी लग रही है, यहाँ पर दर्द ये भी होना चाहिए कि चुनाव पास में आ गया है, यहाँ दर्द ये भी होना चाहिए कि आने वाले समय में कैसे गठबंधन को मजबूती से खड़ा रख सके। बीजेपी को हराना है तो यहाँ पर गठबंधन को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। पर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर आने वाले समय में बड़ा भाई छोटा भाई की भूमिका स्पष्ट करनी होगी। जब तक भूमिका स्पष्ट नहीं होगी तब तक यहाँ पर चीज़ें खराब रहेंगी। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि किस तरह से यह डैमेज कंट्रोल पूरा होगा वो भी समय बताएगा, और किस तरह यहाँ पर आने वाले समय में नीति बनेगी वो भी समय बताएगा। पर फिलहाल एक बात स्पष्ट है कि अगर यहाँ पर इस तरह सेंध लगती रही और लोग समाजवादी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में जाते रहे तो यहाँ पर डैमेज बड़ा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी और विपक्ष के रूप में यहाँ पर उसकी भूमिका बहुत अहम है। अगर समाजवादी पार्टी का इस तरह ही कांग्रेस के साथ जो मामले हैं, बयानबाजी है, तलखी है, वो बनी रहेगी तो आने वाले समय में नुकसान हो सकता है, और नुकसान केवल एक तरफा नहीं बल्कि दो तरफा होगा, और फायदा यहाँ पर बीजेपी को होने की पूरी पूरी उम्मीद रहेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है समर्थन रखिए, विरोध रखिए, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है जुड़ाव रखिए। जुड़ाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है, परंपरा जरूरी है, जनता की बात भी जरूरी है। और अगर जनता की बात करेंगे, जनता के बीच जाएंगे
तो आपको किसी गठबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कि जनता जनार्दन है वो जानती है किसको कब बैठाना है और कब उसको उतारना है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।